तेरी माँ की, तेरे बाप की औकात है मुझे मारने की? वेलकम बैक गाइस टू अ ब्रांड न्यू वीडियो एंड फाइनली वो अपडेट आ गई है पबजी की जिसका हमें कब से इंतजार था, और ये अपडेट है न्यू डेजर्ट मैप की इंग्लिश वर्जन में, जिसे मैं आज खेल रहा हूँ और मैं एम कर रहा हूँ सामने वाली बिल्डिंग पे जो मेरे ठीक सामने है, और उसी पे मैं जाके कुछ लूट इकट्ठा करूँगा जिससे मैं, व्हाट द हेल, ये क्या हुआ? मैं सामने वाली बिल्डिंग पे एम कर रहा था बट इस पे आ गया। कोई बात नहीं, यहाँ भी एमओ वगैरह तो मिल ही जाएगी, बट लगता नहीं यहाँ पे कुछ हमारे लिए है और हम यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते। आई थिंक मुझे उस वाली बिल्डिंग पे जंप करना होगा, देखता हूँ कितना गैप है, कर लूँगा, ईजी है, हैवी को। ओके, काफ़ी ईजिली कर लिया, मुझे लगा नहीं था इतना ईजी होगा बट कर लिया। और हमें यहाँ पे एमओ मिली, कुछ मेड किट्स हैं, एक मेड किट्स है, ओके एक और है यहाँ पे, दो मेड किट्स, वेरी नाइस। और गेम की शुरुआत अच्छी हुई है, हालांकि मुझे गन तो नहीं मिली लेकिन मेड किट मिलना अच्छी बात है। तो अब हम इस रूम को चेक करते हैं, आई मीन इस घर को, और होपफुली हमें अच्छी लूट मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। एक और मेड किट, काफ़ी अच्छी है मेड किट, खाली मुझे मिल रही है, मुझे चाहिए इस वक्त। होलोग्राफिक साइट है, अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, आई थिंक मुझे रख लेना चाहिए था। और मैं बाहर जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ इस बिल्डिंग में कुछ नहीं है भाई मिलने को, मैं जाके ट्राई करता हूँ दूसरी बिल्डिंग में, होपफुली हमें अच्छी चीज़ें मिल जाए। ये बिल्डिंग तो पूरी कचड़ा निकली, कुछ नहीं मिला इसमें। और हम जोन के बाहर हैं इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सकेगा यहाँ से चीज़ों को लूँगा और लिख लूँगा। और लुक्स लाइक कि हमें कुछ अच्छा मिला, बैंडेजेस, एनर्जी ड्रिंक, यार हमें सर्वाइव करने वाली चीज़ें मिल रही हैं बट फाइट करने वाली नहीं। एक और मेड किट मिली, ओके तो फाइनली M16A4 काफ़ी अच्छी गन है, चलो कुछ तो मिला जिससे हम कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं कि अब हम इसे जीत लेंगे। एक्सटेंडेड क्विक मैग भी मिल गई, काफ़ी अच्छी बात, और साथ में कुछ एमओ। इस न्यू अपडेट में आपको मैप के साथ साथ कुछ न्यू गन्स भी मिलती हैं, एक रिवॉल्वर है और एक शेव्ड ऑफ शॉट गन है, काफ़ी अच्छी शॉट गन है, फर्स्ट पर्सन में वो ऑसम दिखती है। मैंने Q&A वीडियो की थी, आपने शायद देखी होगी, उसमें वो गन काफ़ी अच्छी गन है, वो भी शॉट गन मुझे उतनी पसंद नहीं आती बट फिर भी वो गन दिखने में काफ़ी कूल थी और एकदम एंटिक पीस दिखता था। एक और AKM मुझे मिल गई, तो अब कुछ मज़ा आने वाला है इस गेम में, AKM है साथ में और मेरे पास 2x स्कोप भी है। मैं थोड़ी अपनी बैग को खाली कर लूं, और लुक्स लाइक अब इस बिल्डिंग में कुछ नहीं बचा और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूं। तो अब हमारे पास सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं और ब्लू जोन मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द सर्कल में पहुंचना होगा। इस न्यू मैप में कुछ न्यू व्हीकल्स भी हैं, एक वैन है जो सामने दिख रही है लेकिन मैं उसे चलाना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत स्लो चलती है, और आई थिंक मेरे सामने एक बाइक है जिसे मैं ले रहा हूं। और इस न्यू अपडेट में आपको 2 नई जीप भी मिलेंगी, जीप के न्यू मॉडल्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक ठाक ही चलते हैं, लेकिन वैन बेकार है, उसे मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, इसलिए बाइक उठा रहा हूँ और चलते हैं जोन की तरफ। आई थिंक मेरे सामने जीप का वो न्यू मॉडल है जिसे मैं चलाने वाला हूँ क्योंकि बाइक का भरोसा नहीं कब फ्लिप हो जाए, इसलिए हम यहाँ से जीप से जाएंगे। बस रुक जा भाई यहीं पे और जाके जीप में बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ब्लू जोन आता ही होगा। तो आई थिंक मुझे किधर जाना चाहिए, मैं रोड से जाऊँ या शॉर्टकट लेके जाऊँ? आई थिंक शॉर्टकट लेके जाऊँगा बट डर रहता है इन पहाड़ी रास्तों पर चलाने में क्योंकि इसमें फ्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आराम से रवि को, कोई बात नहीं, जंप हो गई है कोई बात नहीं, बट इससे ज़्यादा अगर स्पीड होगी तो मेरी कार डेफिनेटली फ्लिप हो जाएगी, उसके बाद दौड़ कर जाना होगा मुझे सर्कल के अंदर। और अब हमारे सामने उससे भी बड़ी जंप है, होपफुली हम इसे आराम से कर लें क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी कार फ्लिप हो। आराम से भाई, फ्लिप मत होना, ओ नो 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 नो, ओके कंट्रोल में आ गई, क्योंकि अगर कार फ्लिप हो जाती है और वापस से अपनी सही पोजीशन पे नहीं आती, आई मीन सीधी नहीं होती, तो मुझे भाग कर ही जाना पड़ता उस जोन में, सर्कल में। मैं आज काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ बोलने में, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं बोलूँ क्या और मैं ये कार चला कहाँ रहा हूँ भाई, ये कार है मौत का कुआ नहीं जो साइडों पे चला रहा है भाई, आराम से। और मैं रोड पे निकलता हूँ सबसे पहले तो भाई, क्योंकि मुझे रोड पे ज़्यादा सेफ फील होता है। ऑलराइट, तो हम जोन के अंदर हैं और मैं इस टाउन को चेक करना चाहूँगा कि यहाँ पे हमें क्या लूट मिलती है। तो ये मेरे सामने एक बिल्डिंग है और इसके रूफ पे भी जा सकते हैं, तो मैं पहले रूफ पे जाकर देखता हूँ क्योंकि चांसेस होते हैं रूफ पे अच्छी लूट मिलेगी, बट अभी यहाँ पे कोई एनिमी नहीं है और मैं रूफ पे देख लेता हूँ मुझे क्या मिलता है।
AKMM हो, और क्या है हमारे पास यहाँ पे, मुझे ये नहीं चाहिए। ओके, तो SCARL मैं स्विच करूँगा M416 से, क्योंकि मुझे SCARL पता नहीं क्यों ज़्यादा अच्छी लगती है, इसका साउंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, स्पेशली जब सप्रेसर साथ में हो तो। और मैं ड्रॉप क्यों कर रहा हूँ, SCARL को वापस उठाना होगा। तो आई थिंक मैं रेड जोन में हूँ और मुझे थोड़ा मूव होना चाहिए, या शायद मैं यहाँ से ही मूव हो जाऊँ क्योंकि जोन भी क्लोज होने वाला है। अब कहीं और मूव होगा तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, बट फाइनली अभी मैं रेड जोन में हूँ तो मैं पहले यहाँ से कहीं सेफ जगह जाता हूँ। आई थिंक मुझे दूसरी बिल्डिंग्स को चेक करना चाहिए, हो सकता है अच्छी लूट मिल जाए, इसलिए मैं जा रहा हूँ नीचे और चेक करता हूँ उन दूसरी बिल्डिंग्स को। Here we go। आराम से, काफ़ी इजी, अभी तक मुझे एक भी किल नहीं मिली। और लुक्स लाइक यहाँ पे एक और बगी है। ओके, तो सामने एक एनिमी है, मुझे दिख गया, लेकिन मुझे अपना स्विच करना होगा, इसको 4 टाइम्स लगाना होगा क्योंकि वो काफ़ी दूर पे है, इसलिए 4 टाइम्स को यूज़ करूँगा। और ये बंदा जा कहाँ रहा है, एजी का रुक जा तो तुझे शूट करूँ भाई। Here we go। मुझे शायद सिंगल मोड पे रखनी चाहिए गन्स को, बट पहले इसे शूट कर दूँ उसके बाद रखता हूँ सिंगल मोड पे। व्हाट द हेल, ऐसा लैग होगा क्या गेम, मैंने उसे शूट कर दिया, किल वन किल लिख के भी आ गया, लेकिन वो जब उसका क्रेट जो बन के आता वो थोड़ा लेट आया था। सो होता रहता है, कुछ ग्लिचेस आती रहती हैं गेम्स में। कोई बात नहीं, ठीक है, उसे मार दिया, उसे चेक कर लेता हूँ कुछ अच्छा मिल जाए होपफुली हमें। कहाँ है ये बंदा? ओके, तो क्या है इसके पास, कुछ काम का नहीं है, कुछ एमओ है, लेकिन अभी मेरे पास काफ़ी है इतनी एमओ यार, 224 एमओ, क्या करूँगा इनके साथ। तो हमारा जोन काफ़ी करीब आ चुका है और सर्कल हमसे काफ़ी दूर मूव हो गया है, तो मैं यहाँ से इस जीप को उठाऊँगा और यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा देर रुकता नहीं हूँ सर्कल के बाहर, क्योंकि जितना जल्दी सर्कल में जाऊँगा उतनी जल्दी सर्कल के आसपास आने वाले लोगों को मैं शूट करने का मौका मिल पाएगा मुझे। सो यस, वी आर गोइंग टू दिस सर्कल, और मैं सीधा रोड पकड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इन पहाड़ों पे ड्राइव करना, जो कि सामने है। इसकी माँ का गोलियाँ कौन चला रहा है बे, आराम से जाने भी नहीं देते। आई थिंक मेरे वो पीछे है, मुझे रुकना होगा और उसकी बैंड बजानी होगी, शूट जो कर रहा था मुझ पर, वो पीछे दिख रहा है मुझे, इसके भी लेता हूँ रुक। गेम गेम लैग मत हो भाई, उसको मारेंगे कैसे अगर ऐसे लैग हो गए तो, है कहाँ ये, इसकी लेता हूँ अभी। मैंने ये कहाँ है वो सामने रहा, अभी को कहाँ भाग रहा है भाई, कहाँ गया साला, ऊपर भाग रहा है, रुक इसकी लेता हूँ, हेवी को रुक जा बे एक जीगा, हेवी को वन शॉट और मार, लेट के क्या तू बच जाएगा बेटा, तेरी तो लूंगा आज। हेवी को 2 किल मिल गई, साला मुझ पे शूट कर रहा था, चुपचाप मैं आराम से जा रहा था सीधा रास्ते पे अपने गाड़ी लेके, लेकिन शूट करना ज़रूरी था, कोई नहीं, शूट किया, मारा गया, इसलिए मैं अभी उसको जाके चेक भी नहीं करने वाला उसके पास क्या था, क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और मैं यहाँ से निकलता हूँ इन पहाड़ियों के बीच से, होपफुली जोन में अच्छे से पहुँच जाए। तो हम जोन के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी लोकेशन का पता लगाए, इसलिए मुझे ये कार को यहीं कहीं आसपास छोड़ना होगा, क्योंकि यार इजी होता है, कार छोड़ देंगे तो उन्हें कार का साउंड नहीं आएगा और फिर हमें आसानी से किल मिल सकती है, इसलिए मैं अपनी कार को यहीं छोड़ रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ इस जोन की तरफ। कोई ठीक सामने शूट कर रहा है, मुझे सुनाई भी दे रहा है, बट इस पहाड़ी पे चढ़ने के बाद ही पता चलेगा वो है कहाँ पर बंदा जो शूट कर रहा है। और कोई दिख नहीं रहा, आसपास शूटिंग हो रही है मेरे सामने उस साइड पे, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो एक दूसरे में से किसी को ख़त्म करे, उसके बाद जो बंदा बचेगा उसे मैं मारूंगा। तो एक बंदा मेरे ठीक सामने है, इसे शूट करते हैं, रुक बे तेरी तो, ये बॉट है पक्का, ये बॉट है भाई, क्योंकि तो बॉट ही ऐसे रिएक्ट करते हैं, जब उन्हें शूट करो तो वो लेट जाते हैं और ना लेफ्ट। ओके, एक और है बे, इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था, ये भी मुझे बॉट लग रहा है यार, क्यों पबजी क्यों इतने बॉट्स दे दिए एक गेम में, रियल प्लेयर होते तो इन्हें मारने में और भी ज़्यादा मज़ा आता, बट क्या कर सकते हैं अब, फिर भी ठीक है, चलो कुछ बॉट्स मिलते हैं, हो सकता है जब गेम ज़्यादा पॉपुलर होगा, आई मीन पॉपुलर तो है लेकिन अभी उतने प्लेयर नहीं है कि इसमें बॉट्स की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए वो बॉट्स को डालते हैं रियल प्लेयर को रिप्लेस करके, आई मीन जब रियल प्लेयर नहीं होते तो उनकी जगह पे बॉट्स को डाला जाता है, क्योंकि गेम में ऐसा ना लगे कि 100 बंदे होने चाहिए तो पता चला फिर 50-60 ही बंदे आते हैं ऑनलाइन, तो फिर गेम का मज़ा भी नहीं आता, 50-60 बंदे में गेम काफ़ी जल्दी ख़त्म होगा।
सो ठीक ही है जो कर रही है टेंसेंट कंपनी, और मुझे कुछ दिख नहीं रहा यार। मैं देख रहा हूँ जूम करके कि कितना बड़ा जोन है, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाता हूँ किस तरफ से जाना चाहिए किस तरफ से नहीं। तो और सामने शूट हो रहा है मेरे, लिटरली मेरे ठीक सामने शूट हो रहा है, बट मुझे दिख नहीं रहा यार इसमें। थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, शायद दिख जाए कोई। थिंक वो सामने वाली बिल्डिंग्स में तो नहीं है, जो टूटे फूटे घर हैं सामने, आई डोंट नो। ओके, तो वहाँ पे कोई कार यूज़ कर रहा है, ये डेफिनेटली बॉट तो नहीं है, ये रियल प्लेयर है, क्योंकि बॉट्स कार को ड्राइव नहीं करते। जो भी बॉट होंगे वो कार को ड्राइव नहीं करेंगे। और मेरे सामने एक एयर ड्रॉप है, लगता तो नहीं किसी ने इसे लूटा है, तो मैं देख लेता हूँ मुझे क्या मिलता है। कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाएगा तो मज़ा आएगा इस गेम में फिर। वी को है क्या इसके अंदर यार? ओके, M24 है इसमें, तो मैं M24 को स्विच करूँगा अपने AKM से, क्योंकि AKM और M24 में सेम बुलेट्स होती हैं, इसलिए इस तरह से मेरे पास दोनों टाइप्स की बुलेट होंगी। क्योंकि अगर एक ख़त्म होती है तो दूसरी बुलेट्स मेरे साथ रहेंगी मेरा साथ देने के लिए, और अगर मैं सेम बुलेट्स की दोनों गन रखूँगा तो एक में ख़त्म हुई बुलेट्स तो दूसरे में भी ख़त्म। यही रीज़न है कि मैं दो डिफरेंट टाइप्स की एमओ वाली गन रखता हूँ, और मेरे पास 4 टाइम से मैं इसे M24 पे लगा लेता हूँ, क्योंकि हम स्नाइपिंग करेंगे आज। पबजी में स्नाइप करने का मज़ा ही कुछ और है, स्पेशली डेजर्ट मैप में तो मज़ा आ जाता है। मैं तो भाई उस दिन का वेट कर रहा हूँ जिस दिन फर्स्ट पर्सन मोड वाली अपडेट आएगी इस पर, तब तो पूछो ही मत कितना ज़्यादा मज़ा आएगा इस गेम में स्नाइप करने पर। और सामने वो कार है, लेकिन बंदा मुझे नहीं दिख रहा जो उधर से ड्राइव करके आया था, गया कहाँ वो? और राइट साइड में एयर ड्रॉप गिरी है, उसके लिए वो डेफिनेटली जाएगा, बट गया कहाँ वो? आई थिंक वो ऑलरेडी पहुँच चुका है यार वहाँ पे। एक मिनट भाई देखने दे, वो तेरे की ये वापस भी जा रहा है, इसको शूट करना पड़ेगा, काफ़ी तेज़ भाग रहा है भाई ये। वो तेरे की सलाम मिस कैसे कर दिया मैंने? रुक जा भाई एक जगह, तो मैं तेरी अच्छे से ले लूँ। इसको यहीं से हेडशॉट देना पड़ेगा आई थिंक, ऊपर उठकर। तेरी को एक शॉट लगी उसको, वो वहीं पर रुका रहा तो दूसरी भी दे दूंगा उसको। अरे सलाह हिल गया, रुक बे तेरी आज लेता हूँ, भाग कहाँ रहा है भाई? इसकी कार पे शूट कर दूँ, क्योंकि एटलीस्ट जब कार डैमेज होगी तो वो भाग नहीं पाएगा। तो मैं अपनी वेस्ट कर रहा हूँ गोलियाँ, कोई बात नहीं, मेरे पास 190 गोलियाँ हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस मैं उसे मारना चाहता हूँ स्नाइप करके। साला ये कर क्या रहा है वहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है। एक जगह रुक जा, हेवी को। ओके, तो काफ़ी लेट आता है लिख के, गोली से पहले लगी, बाद में दिखाया मुझे 5 किल मिली। तो और बंदे कितने बचे हैं? अभी 7 बंदे और बचे हैं, मुझे उन्हें भी स्नाइप करना होगा। आई थिंक वो सामने बिल्डिंग्स में ज़रूर होंगे, तो मुझे वहाँ पे नज़र रखनी होगी। पहले मैं थोड़ा झाड़ियों में आ जाऊँ, और कोई छुपने की जगह नहीं है यहाँ पे, और कोई बंदा दिख भी नहीं रहा, तो डेफिनेटली वो उन घरों में होंगे, पर हैं कहाँ पर समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एक भी बंदा नहीं दिख रहा, ना गन शॉट सुनाई दे रहा है मुझे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ लेट के आराम से कोई मुझे देख ना पाए और मैं एनिमी को पहले देख लूँ। अब हमारा सर्कल फिर से मूव होने वाला है, इसलिए मुझे भी मूव होना पड़ेगा, बट बंदे हैं कहाँ? 5 और बचे हैं अभी जिन्हें मुझे ख़त्म करना है, पर दिख नहीं रहे कहाँ है। मैं इस पेड़ के पीछे छुपना चाहूँगा, लेकिन फिर डर ये है कि अगर पीछे से कोई आ गया तो मुझे काफ़ी इजीली मार सकता है, इसलिए मैं वहाँ पर रुकूँगा नहीं, मैं हिलता रहूँगा, लेफ्ट राइट आगे पीछे जाता रहूँगा। मुझे सामने आइकन दिखा रहा है यार, बट बंदे नहीं दिख रहे, वो शूट कहाँ कर रहे हैं मालूम नहीं। ऑल राइट, तो लुक्स लाइक सामने कोई है। इसे तेरी माँ की, तेरे बाप की औकात है मुझे मारने की? एक हेड शॉट लिया, एक और देता हूँ, रुक तेरे को। हेवी को मरा मरा, थोड़ा लेट क्यों दिखाता है यार, मुझे समझ नहीं आता, थोड़ा सा लेट आता है ये, क्योंकि गोली जब उसे लग चुकी होती है तो उसके 1 सेकंड बाद आता है, और फाइनली उसे मार दिया। अगर मैं शॉट मिस कर देता तो डेफिनेटली वो मुझे मार देता, क्योंकि उसने मेरी हेल्थ आधी कर दी सिर्फ एक शॉट से, वो भी स्नाइपिंग कर रहा है, और फाइनली मार दिया। मैं अपने आप को रिवाइव कर लूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा ज़रूरी है रिवाइव करना, और थोड़ी एनर्जी ड्रिंक ले लेता हूँ जिससे मेरी हेल्थ जल्दी रिवाइव होगी, और इस आखिरी बंदे को भी मार सकूंगा इजीली, क्योंकि अब 2 ही बंदे बचे हैं, एक मैं और एक वो, बट है कहाँ दिख नहीं रहा। थोड़ा सा मुझे एनर्जी ड्रिंक ले लेता हूँ तो काफ़ी इजी होगा हेल्थ रिवाइव करने में। एक और, तो अब मुझे यहाँ से मूव होना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जोन के बाहर रहूँ, वो भी लास्ट सर्कल में, क्योंकि लास्ट सर्कल बहुत ज़्यादा हाई डैमेज करता है, जिसकी वजह से जल्दी मूव करना बेहतर है। और ये लास्ट बंदा है कहाँ यार, दिख नहीं रहा, मुझे थोड़ा ऊपर जाना होगा जिससे मुझे एक अच्छा लेवल मिल सके, और उसे दूर से देख लूँगा तो काफ़ी इजी होगा मेरे लिए जीतना। लास्ट बंदा है, कोई गलती नहीं करना चाहता मैं,
और ये वो जगह है जहाँ पे मैंने उसे स्नाइप किया था इससे पहले वाले एनिमी को जो ड्राइव कर रहा था। ओ नॉट अगेन यार, फिर से वही हुआ जो मेरे साथ पिछले टाइम हुआ था, उसमें भी लास्ट एनिमी जोन के बाहर मरा था और इस वीडियो में भी। हद है यार, मुझे फाइनल किल कब मिलेगी? खैर कोई नहीं, काफ़ी अच्छा गेम रहा, कुछ स्नाइपिंग किल्स मिली, काफ़ी मज़ा आया। और ये अपडेट अब हमारे लिए ऑफिशियली आ चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके या प्ले स्टोर से इस गेम को अपडेट कर लें। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।